Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Express. So today we will discuss about one of the famous personality Swami Vivekanand. तो आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एस वी नो कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, तो यहाँ पे उनका जनरल इंट्रोडक्शन दे के रखा है मैंने. तो हम जानेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ से. तो स्वामी विवेकानंद का डेट ऑफ बर्थ है January 12, 1863. पीयूबी दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ है कलकत्ता में जन्म हुआ था, बंगाल, विच वॉज अ प्रेसिडेंसी नाउ न्यू कलकत्ता इन बंगाल. उनके पेरेंट्स फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त, मदर का नाम था भुवनेश्वरी देवी. एजुकेशन उन्होंने कहाँ से करी थी? कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता. इंस्टीट्यूशन उन्होंने कौन कौन से ओपन करे थे वो गिवन है यहाँ पे, रामकृष्णा मठ, रामकृष्णा मिशन, वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क. यहाँ पे राधा कृष्णा मठ और राधा कृष्णा मिशन इसलिए लिखा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु ही रामकृष्णा थे. ठीक है ना, फिलोसफी अद्वैता वेदांता की फिलोसफी करते थे, उनको फॉलो करते थे. ये जो फिलोसफी है अद्वैता वेदांता, दिस फिलोसफी इज गिवन बाय आदि शंकराचार्य. ये जो फिलोसफी वो आदि शंकराचार्य की द्वारा दी गई है. ना उनके कुछ पब्लिकेशन के बारे में बात करते हैं. तो 1896 में उन्होंने कर्म योगा पब्लिकेशन किया, 1896 में राजा योगा, 1897 में लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोर्स एंड 1901 में माय मास्टर्स. उनकी डेथ हो गई थी July 4, 1902 एट द एज ऑफ 39. गाइस स्वामी विवेकानंद सिर्फ 29 साल जिए, क्योंकि और वो उनकी इच्छा भी थी कि वो 40 के पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लें. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया, बट आई विल डिक्टेट फॉर यू गाइस सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो इंट्रोडक्शन ऑफ स्वामी विवेकानंद. ही वॉज अ हिंदू मॉन्क एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया. बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर थे वो. ही वॉज मोर देन जस्ट अ स्पिरिचुअल माइंड. स्पिरिचुअल माइंड से ज्यादा वो एक अच्छे थिंकर थे, ग्रेट ओरेटर, मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी देते थे. उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग से बहुत से लोगों को अट्रैक्ट, बहुत से लोगों को प्रभावित भी किया है. ही वॉज अ पैशनेट पेट्रियट. He became the first teacher from Hindu tradition to make the teaching of Vedanta, which is based on Vedas. वो first teacher थे Hindu tradition से जिन्होंने initiate लिया कि वो Vedanta की teaching जगह जगह लोगों को पढ़ाएं, उन लोगों को aware करवाएं, which is based on Vedas. और Vedas बहुत उस time पे famous था, Vedas, Upanishads. The Bhagavad Gita and other Indian scripture accessible to the Western countries. Even उन्होंने जो Bhagavad Gita है और other Indian scripture like Upanishads, Vedas, ये सब भी Western countries मैं भी उन सब चीजों को अवेयर करवाया वहां के वेस्टर्न कल्चर से. हिज मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड सेल्फ अवेकनिंग रिमेन्स रेलिवेंट स्पेशली इन द करेंट बैकड्रॉप ऑफ वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल टर्मोइल अराउंड द वर्ल्ड. द यंग मॉन्क एंड हिज टीचिंग हैव बीन एन इंस्पिरेशन टू मेनी एंड हिज वर्ड्स हैव बिकम गोल्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री. उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो मोटिवेशनल स्पीच है, दैट बिकम्स अ गोल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर यूथ. एंड दिस इज द रीजन हिज बर्थडे January 12 सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल यूथ डे. हम सबको पता है हम एक नेशनल यूथ डे मनाते हैं January 12 को. यही रीजन है कि स्वामी विवेकानंद की जो स्पीच थी, विच हेल्प्स अ यूथ to become the goal of self improvement, to improve on the goal of self improvement, that's why this 12th January is celebrated as a national youth day, and this is also the day jab Swami Vivekanand ji ka janam hua tha. Now we will discuss about the early life and education. So early life and education, unki early life, to unka jo naam tha Narendranath Dutt tha, nickname jo unka tha Narendranath Dutt tha. He was an affluent Bengali family in Calcutta, yahan par unka janam hua tha. He was one of the 8th children of Vishwanath and Bhuvneshwari Devi, and unka janam hua tha January 12, 1863 on the occasion of Makar Sankranti. Makar Sankranti ke din Narendranath Dutt, jo ki Swami Vivekananda, unka janam hua tha. And jo Vishwanath Dutt hai, he was a successful attorney with considerable influence in society, and jo Bhuvneshwari Devi hai, she was a woman endowed with strong and God fearing mind who had a great impact on her son. Now, as a young boy, Narendranath Dutt displayed sharp intellect. His mischievous nature believed his interest in music, instrumental and vocal. अब हम नरेंद्रनाथ दत्त जो है वो बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट थे, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे. उनकी जो नटखट शरारतें वगैरह है, उन सबका जो नेचर, उनको काफी रुचि थी म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी और गाना गाने में भी, उनको दोनों में ही रुचि थी. सेकेंड, he was fascinated by the wandering monks who become a regular feature in the Indian countryside, and he would sometimes try to imitate their meditation. वो बहुत अट्रैक्ट होते थे जो मॉन्क्स होते हैं, जो स्वामी लोग होते हैं, जो इधर से मतलब जो वेंडरिंग मॉन्क्स होते हैं, उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं.
एंड समटाइम्स वो ट्राई करते थे कि उनके जैसा ही वो मेडिटेशन करें. मतलब वो बहुत ज्यादा अंदर से स्पिरिचुअल भी थे. ही एक्सेल्ड इन हिज स्टडीज एज वेल एज फर्स्ट एट मेट्रोलिन इंस्टीट्यूशन एंड लेटर एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता. पहले उन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से अपनी वो करी और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज इन कलकत्ता, वहां से उन्होंने अपनी स्टडीज वो पढ़ी. और जब तक वो ग्रेजुएट हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, जहां से वो ग्रेजुएट हुए, ही अक्वायर्ड अ वास्ट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. बाय द टाइम ऑफ ग्रेजुएट उन्होंने जो अदर सब्जेक्ट थे उन सबका भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया. और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बस वो स्टडीज में ही बहुत अच्छे थे. ही वॉज मोर एक्टिव इन द स्पोर्ट्स, जिमनास्टिक, रेसलिंग एंड बॉडी बिल्डिंग. मतलब हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ओवरऑल राउंडर पर्सनैलिटी थी दोस्तों. यहाँ पे ही वॉज एन एविड रीडर एंड रीड अप ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन. उनको पढ़ने का बहुत शौक था और वो सन की रोशनी में ही सब कुछ अधिकतर चीजें पढ़ लेते थे. ही परस्यूड हिंदी स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, उपनिषद, व्हाइल ऑन द अदर हैंड ही स्टडीड द वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर. इसका मतलब ये कि उन्होंने हमारे जो इंडिया की भगवद गीता है, उपनिषद है, वेदा से इन सबका नॉलेज तो प्राप्त किया ही किया, उन सबका नॉलेज तो लिया ही लिया. उसके साथ में उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, जो अदर अदर वेस्टर्न ऑथर्स हैं, उन सब की चीजों भी उन्होंने पढ़ी है. दैट मींस वी कैन से दैट ही एक्वायर्ड अ वास्ट नॉलेज इन ईच एंड एवरी फील्ड, नॉट ओनली लिमिटेड टू द इंडियन कल्चर बट ऑल्सो ऑफ द वेस्टर्न कल्चर. ही स्टडीड द वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलोसफी एंड यूरोपियन हिस्ट्री एट द जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन. जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन जो अभी इसको बोला जाता है स्कॉटिश चर्च कॉलेज. In 1881, he passed the fine art examination. यहाँ पर उन्होंने अपनी bachelor's of art degree करी थी, BA उन्होंने complete किया था 1881 में. और मैंने बताया था कि वो western philosophy, western history, European history भी उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ी है. He even studied the work of David Hume. ये अलग अलग authors हैं जिनका उन्होंने उनके बारे में पढ़ा है. Immanuel Kant, Johann Gottfried Fichte, और दीज आर द सम लाइक फिलोसफर्स जिनका काम उन्होंने He studied the work of these philosophers. He even became fascinated with evolution of Herbert Spencer. Herbert Spencer की जो evolution था उससे वो बहुत attract हुए. वो उनको बहुत अच्छा लगा. That's why he translated this book. उनकी जो book थी Spencer's book Education, उन्होंने उसको translate किया बंगाली में ताकि जो other people हैं वो भी इस चीज को पढ़ सके, वो जान सके. Now while studying the Western philosopher, he also learned Sanskrit scriptures and Bengali literature. तो आप देख सकते हैं उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर, बंगाली लिटरेचर भी की भी शिक्षा प्राप्त करी. विलियम हेस्टे क्या थे, ये प्रिंसिपल थे जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन के, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की जो डिग्री ली थी वो कंप्लीट करी थी. तो वहां के प्रिंसिपल थे. तो उन्होंने क्या लिखा है नरेंद्र के बारे में, दैट इज स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि ही इज रियली जीनियस. I have traveled far and wide, but I have never come across a lead of his talent and possibilities, even in German universities among philosophical students. उन्होंने लिखा मैंने इतना घूमा है, इतना सब कुछ, इतने लोगों को देखा है, लेकिन मैंने नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद जैसी personality मैंने इस German पूरी universities में भी नहीं देखी, even in the among the philosophical students. तो वो इतना नरेंद्र नाथ दत्त को और स्वामी विवेकानंद को इतना जीनियस बता रहे हैं. Some accounts have called Narendra a Shruti Dharma. Shruti Dharma means a person with prodigious memory. मतलब जिसके पास एक बहुत powerful memory होती है retain करने की बहुत सारी चीजों को. तो किसी लोगों, कुछ लोगों ने उनको ऐसा बोला है. अब हम इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उनकी अर्ली लाइफ है, मतलब उनके बचपन के थोड़ा उस फेज में जाते हैं हम लोग. तो जब वो 18 साल के थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी जिसका नाम था नव विधान और केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ ठाकुर. तो जो केशव चंद्र सेन है ही वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद ब्रह्म समाज, वो ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड थे. और जो देवेंद्र नाथ टैगोर है he was a leader of Brahmo Samaj. Do you know guys who is Devendra Nath Tagore? Devendra Nath Tagore jo hai wo father hai Rabindra Nath Tagore ke. Okay, so due to these people his initially belief was shaped by Brahmo concept. To in unhone jab ye sabha join kari nav vidhan aur isme jo log the wo Brahmo Samaj ki taraf hi influence the, isi ke karan unke jo concepts hain wo Brahmo concepts mein shape ho gaye apne aap. Which included the belief of Brahmo Samaj. हमारा किसमें believe करता था, formless God, मतलब वो idolatry पूजा उन सब में believe नहीं करते थे, depreciation of idolatry. And at this time he met Devendranath Tagore, who is the leader of the Brahmo Samaj, and questioned the existence of God. फिर मैं जब Devendranath Tagore से मिले जो leader है Brahmo Samaj के, उन्होंने उनपे question किया कि have you seen our God? कि आपने कभी भगवान जी को देखा है? Have you seen God? तो उन्होंने answer दिया Devendranath Tagore ने, but he couldn't satisfy with the answer of the Devendranath.
Then he even asked several prominent Kolkata residents if they had come face to face with the God. उन्होंने कलकत्ता के जो residents हैं उन्होंने उनसे भी पूछा कि अगर कभी आप उनसे face to face contact में आए हो God को, क्या अभी कभी आपने देखा है, कभी आपकी उनसे face to face मुलाकात हुई है. तो his question was on the existence of God. उनका question किस पे था? Existence of God. But none of their answers satisfied. किसी का भी कोई भी उन्हें satisfy नहीं कर पाया with their answers. Then at last, when he met with the God-intoxicated sage Ramakrishna, everything changed for him. जब वो Ramakrishna से मिले, सब उनकी life में जैसे मतलब मानो कि उनको सारे answers मिल गए हों, जो उनका answer था कि have you seen God, जैसे उन्हें अब मिल गया हो. He was convinced beyond any doubt that God realization is the most important thing in life and become one of the Ramakrishna's disciples. उनको समझ में आ गया कि God realization एक बहुत जरूरी चीज है, it's a very important thing in life. और उसके बाद में वो Ramakrishna के disciple बन गए. तभी उन्होंने क्या किया, Ramakrishna मठ, Ramakrishna mission, ये सब चीजों की institution की स्थापना करी, क्योंकि अब ये उनके गुरु बन गए हैं. He developed a sympathy for the suffering and poverty of the people and resolved to uplift the nation. एंड और वो हमें भिक्षा पे रहते थे वहां पर, जब उनके आश्रम में रहते थे रामकृष्ण के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए. देन ही ट्रेवल्ड ऑन फुट बाय द रेलवे विद टिकट्स बॉट बाय एडमायर्स. ड्यूरिंग दिस ट्रेवल ही मेट एंड स्ट्रेट विद इंडियंस फ्रॉम ऑल रिलीजन. जब वो ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, तो उन्होंने हर जगह के रिलीजन, स्कॉलर्स, देवांश, राजाज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्सियन, लोअर कास्ट पीपल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन सबसे उनकी मुलाकात हुई. और उन्होंने वहां पर उन्होंने ट्राई किया कि वो सो दैट ही अंडरस्टूड द डिफरेंट कल्चर्स एंड देयर थिंकिंग्स अबाउट अ नेशन. देन पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस. अब क्या हुआ था 1886 में, अब रामकृष्णा जो उनके गुरु थे उनकी मृत्यु हो गई. सो ही डिसाइडेड इट वॉज नेसेसरी टू टेक वेदांता टू द बेस्ट इवोल्यूशनरी आइडिया एट द टाइम. उन्होंने समझ में आया, उन्होंने जो वेदांता की नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन द वेदास जो एक्वायर करी थी, उन्होंने सोचा अब इस नॉलेज को मुझे वेस्टर्न कंट्री में जाके स्प्रेड करना है. सो व्हाट ही डिड, इन 1893 ही ट्रेवल टू यूनाइटेड स्टेट्स टू बी प्रेजेंट एट द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो. तो वो यूनाइटेड स्टेट्स गए यूएस में, और ये फर्स्ट टाइम पे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो में ऑर्गेनाइज की थी. फर्स्ट टाइम में पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज हुई थी ऑन द वर्ल्ड रिलीजन. Where his teaching generated a great interest and commotion among the conservative Christians. उन्होंने conservative Christians के ऊपर भी कुछ बोला. अब ये New York Herald called him undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religion. उन्होंने जब उनकी स्पीच को सुना तो उन्होंने बोला कि he is the greatest figure in the Parliament of Religion. The Parliament of World Religion opened on 11 September 8. So these are the factual information which you need to remember it properly, because MPPSC ki mains mein facts zyada likhne hote hain answer writing mein. So the Parliament of World Religion opened 11 September 1893 at Art Institute of Chicago as a part of the World's Columbia Exposition. On this day he gave a brief speech representing India and Hinduism. उन्होंने किसको represent किया? India और Hinduism को. जब वो speech दे रहे थे तब वो थोड़ी initially बहुत nervous थे, लेकिन later उन्होंने सरस्वती जी को प्रणाम किया. सरस्वती जी the Hindu goddess of learning. और उसके बाद में उन्होंने अपनी speech की शुरुआत करी. अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, he began his speech with sisters and brothers of America. मतलब कि इन word को सुनने के बाद में he received a 2 minute standing ovation from the crowd of 7,000. 7,000 लोगों से उनको क्या 2 minute की standing मिली. According to the Shailendranath Dhar, when silence was restored, he began his address. जब एकदम silence फिर से हो गया, उसके बाद में उन्होंने अपनी speech को शुरू किया, greeting the youngest of the nation on behalf of the most ancient order of monk in the world, the Vedic order of sannyasis. A religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. जिसमें वो believe रखते थे कौन? स्वामी विवेकानंद जी. Now books of fame, स्वामी विवेकानंद भी कुछ उनकी famous books हैं, वो आपको याद रखना है. The complete work of स्वामी विवेकानंद, जन योगा, कर्म योगा, living at the source and राजा योगा. These are some famous books. There are famous 5 books of the स्वामी विवेकानंद which you guys need to remember. Now हम उनकी death के बारे में बात करेंगे. So on 4th July 1902, the day of his death, he awoke early. वो जल्दी उठ गए. वो monastery he and went to the monastery at Belur Math. Belur Math में गए, वहाँ पे उन्होंने meditation किया. 3 घंटे तक उन्होंने meditation किया. और उसके बाद में उन्होंने meditation के पहले उन्होंने क्या किया था? He taught Shuddha Yajurveda, Sanskrit grammar and philosophy of yoga to people. लोगों को इन तीनों चीजों के बारे में भी उन्होंने ज्ञान दिया. And later discussing with colleagues a planned Vedic college in the Ramakrishna Math. At 7 PM he went to his room.
उन्होंने उठे, मेडिटेशन करी, वो सबसे पहले वो उठे, देन उन्होंने मेडिटेशन किया, उसके बाद में उन्होंने इन तीनों चीजों के बारे में लोगों को नॉलेज दी. उसके बाद में वो 7 बजे शार्प अपने रूम में गए एंड आस्किंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, और उसके बाद में 9:20 पे उनकी मृत्यु हो गई बाय मेडिटेटिंग. वो 3 घंटे मेडिटेट करते करते ही उनकी उसमें मृत्यु हो गई. अब मृत्यु कैसे हो गई? सो अकॉर्डिंग टू हिज डिसाइपल्स, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने क्या बोला, ही अटेंड महासमाधि. कि उन्होंने क्या अटेंड करी है? महासमाधि. द रप्चर ऑफ अ ब्लड वेसल इन हिज ब्रेन वॉज रिपोर्टेड एज अ पॉसिबल कॉज ऑफ अ डेथ. जो ब्लड वेसल का जो रप्चर होता है ना, वो उनके ब्रेन में इकट्ठा हो गया, जिसके कारण उनकी जो है डेथ हो गई. हिज डिसाइपल्स बिलीव दैट, उन क्या कहते थे वो, दैट रप्चर वॉज ड्यू टू हिज ब्रह्मांड एंड ओपनिंग ऑफ द क्राउन ऑफ हिज हेड. कि क्राउन का जो वजन होता है, जब वो मेडिटेट कर रहे थे, जब वो, तो उनको महासमाधि प्राप्त हुई, क्योंकि उनको क्या हुआ, वहां पे जो क्राउन है, क्राउन एकदम से खुला उनके हेड पे, उसके कारण क्या हुआ, रप्चर्स ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड जम गया, और उसके कारण उनकी मौत हो गई. बीइंग प्रीस्ट व्हेन ही अटेंड महासमाधि, ही फुलफिल्ड हिज प्रोपोहेंसी दैट ही वुड नॉट लिव 40 ईयर्स. उनकी ये प्रोपोहेंसी भी थी, उनकी इच्छा भी थी कि वो 40 ईयर से ज्यादा जिएंगे नहीं, जिससे उनकी 39 में ही डेथ हो गई. ही वॉज सेरेमेटेड, और उनको कहाँ गड़ा दिया गया, मतलब जो मरने के बाद बॉडी को, डेथ बॉडी को वो करते हैं, तो ही वॉज सेरेमेटेड ऑन अ सैंडलवुड फ्यूनरल फेयर ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन बेलोर. बेलोर में ही, जहाँ पे उन्होंने, जिस मठ में, बेलोर मठ में उन्होंने मेडिटेशन किया था, उसके पास में गंगा रिवर के उधर अपोजिट वेयर रामकृष्णा वॉज सेरेमेटेड 16 ईयर्स अर्लियर. उनके जो गुरु जी, जहाँ पे 16 ईयर्स पहले उनके फ्यूनरल हुआ था, वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी का भी फ्यूनरल हुआ था, उसके अपोजिट में. सो दिस व्हाट अबाउट द होल स्वामी विवेकानंद. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू.